हाय, मैं आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले एक जरूरी सूचना। अच्छा, आज कोई सूचना नहीं है तो सबसे पहले बात आज के शो में क्या है खास। एक मैच के हारे सोशल मीडिया ने गंद की पराकाष्ठा पार कर दी। बेंगलुरु एयरपोर्ट का ये वीडियो दिल जीत लेगा। बिहार के फॉरेस्ट गार्ड ने सांप पकड़ने के बाद बहुत सटीक सीख दे डाली है और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात गंदी डिजाइन दिखाने वाले इस अच्छे चैनल की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। दो दिन में ट्विटर पर 15 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं ये वीडियो। एलेना जेल चाविरा नाम के अकाउंट से आया ये वीडियो, बेसिकली टिकटॉक से आया है। कैप्शन है, मी इग्नोरिंग द बैड इन समवन। नजर आता है कि एक फेमस फिल्म जिसका मैं नाम भूल गया हूँ, तो उसके मास्क्ड सीरियल किलर जैसा गेटअप और चाकू लेके एक बंदा एक बच्चे को डराने के लिए जाता है, लेकिन बच्चा उसको देख के घबराता नहीं है, रोता नहीं है, पै पै नहीं करता, गले मिलने के लिए हाथ फैला देता है। अब ये वीडियो वायरल है। कल भारत पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप में एक मैच हार गया, जिसके बाद तमाम चीजें हुई जिनकी बात हम आगे करेंगे या शायद नहीं करेंगे। लेकिन डिसअपॉइंटेड क्रिकेट फैन मीम बन चुके बंदे की सेल्फी भी साथ के साथ अब वायरल हो रही है। दांत चियार के खीस निपोर के बंदा हंस रहा है। सलीम अख्तर नाम के बंदे की फोटो अब ट्विटर पर वायरल है, तमाम सोशल मीडिया पर वायरल है। अच्छा ये है कि इंडियन क्रिकेट फैन भी उसे देख के अच्छी बातें कह रहे हैं। कहते हैं पैर उतना ही पसारना चाहिए जितनी लंबी चादर हो। पैर के लिए तो कह दिया, हेयर के लिए कोई कुछ भी बताने को भूल गया था। उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा एंटमैन 0528 नाम के इस यूजर को। अब जाने उन्हें ही भुगतना पड़ा है या किसी और को भुगतना पड़ा है किसने ये फोटो डाली, लेकिन ट्विटर पे फोटो गई और वायरल हो गई। एक महिला जो प्लेन में आगे की सीट पर बैठी हुई हैं, सुरक्षित काले उनके बाल बैक सीट पर कर रहे थे बवाल, माने उनके बाल पीछे की सीट तक आ रहे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे। उस बंदे ने फोटो डाली है तो बाकी के लोग भी अपना दुखड़ा बताने लगे। किसी ने दिखाया कि देखो कैसे पीछे वाला अपना गंधीला पैर उनके हत्थे पे रख रहा है, किसी ने जूतों के साथ वाला पैर जो पीछे से आ रहा था वो दिखाया और कहा कि इनको तो इशारा करो, ये तब भी नहीं मानते, तब भी नहीं समझते, तब भी पैर नहीं हटाते। बच्चों का हिसाब किताब आपको पता ही है, दाल रोटी सब्जी खाई नहीं जाती, बाहरी चीज चाहे जितनी खिला दो। गलत कह रहा हूं तो बताइए आप, नहीं अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। अभी आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं, हाल आपका भी वही है। वही हाल ना होता तो इधर भी टी शर्ट पर शर्ट पहन के तो न छुपाई जा रही हो। खैर, अभी बात इंस्टाग्राम पर वायरल कबीर सूद नाम के अकाउंट से आए बच्चे की करते हैं। 18 घंटे में लगभग 1 लाख के करीब लोग ये वीडियो देख चुके हैं। बच्चे से दाल रोटी सब्जी की बात की जा रही है कि खा लो, लेकिन ना उनको नहीं खाना है, वो केक की डिमांड कर रहे हैं, बहुत प्यारे तरीके से कर रहे हैं। और ये तो आजकल के बच्चे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर टाइप, ये मतलब लगता है कि अस्पताल से ही ऐसे निकल के आए हैं। देखिए वीडियो इनका। You want to eat roti and sabzi or rice and dal? No, thank you. वो नहीं खाना। No, thank you. वो क्यों नहीं खाना? Cake खाना है। Cake तो I have already given you 2 times. One last time? Yes. Are you sure? Yes. Deal. चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। कल T20 वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को कोई मैच हराया हो। वैसे तो मैं बहुत क्रिकेट देखता नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं, और वैसे भी ये बस एक मैच था, और वैसे भी ये कोई सेमीफाइनल या फाइनल मैच तो था नहीं। लेकिन जाने क्यों रात भर नींद नहीं आई, शायद रात में बादल गरज रहे थे उस कारण होगा। ऐसे आंख में बार बार कचरा सभी फंस रहा था, शायद दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, किसी से बात करने का मन भी नहीं हो रहा था। हो सकता है अब मैं इंट्रोवर्ट हो रहा हूँ, मतलब मुझको अभी पता चल रहा है। और जाने क्यों बात बात पे ऐसे रुलाई जैसी फूट रही थी, शायद घर वाले रात में प्याज के पकौड़े बना रहे थे घर पे। कुल जमा अपनी टीम हारी और क्रिकेट फैंस का ऐसा हो गया कि मतलब दिल जो था वो डूब गया, माने अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है कि हम हार गए हैं। मैच है तो हार जीत तो लगी रहती है, हार जीत लगी रहती है तो इमोशन लगे रहते हैं। लेकिन कुछ लद्दड़ लोग, खखोर लोग, घिनहे लोग, नफरती लोग, बोगस लोग, इनको आप सोने के परात में परोस के दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ दे दो, ये घिनहे लोग उसमें भी
क्या करेंगे आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ऐसे लोगों को गिन के दो चार शब्द आते हैं और ये अपनी पूरी ज़िंदगी उसी में खप जाएंगे। इनको न देश से मतलब है, ना खेल से मतलब है, ना रिकॉर्ड से मतलब है, ना खेल भावना से मतलब है, न किसी चीज़ की टेक्निकलिटी से मतलब है। इनको गिने चुने शब्द पता है, हिंदू मुस्लिम धर्म मजहब टीवी पटाखा भाजपा कांग्रेस वही पार्टीबाजी वही अपना रोज का जहर ये लोग आज भी फैलाते रहे। वैसे तो हम लोग भी फ्रिंज एलिमेंट्स के मेन स्ट्रीम होने के अभ्यस्त हो चुके हैं, लेकिन कभी कभी ये लोग अति कर देते हैं। सोशल मीडिया के ट्रेंड्स में ये तमाम चीज़ें चलती दिखी। चल क्या रहा था, पनौती विराट कोहली कप्तानी छोड़ो गद्दार, इसके अलावा कुछ क्रिकेट और कुछ इसी सब से जुड़े शब्द और चले, लोगों ने अपनी राय रखी तो उनके नाम चले, बिहारी वीरू इरफान शेख राशिद शेमफुल शमी। वैसे कोई और दिन होता तो हम डिटेल में बताते किसने क्या कहा, किस पे क्या रिएक्शन आया, ये हम आज हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। कम को कल की हार का बड़ा दुख है, इतनी पॉलिटिक्स हो रही है उसी सब पे, यहाँ नेता मंत्री सांसद पाकिस्तान के मंत्री वगैरह उसी पर राजनीति कर रहे हैं। आप न्यूज़ में देख लेना, हम आगे बढ़ते हैं सोशल मीडिया की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं प्यारा वीडियो। बच्चे सही होते हैं, वो असली देशभक्त होते हैं, बड़े होने पर तो बस दिखावा शुरू हो जाता है, सही बता रहा हूँ। ऐसा ही एक प्यारा बच्चा नजर आया बेंगलुरु एयरपोर्ट पर, CISF के अफसर गाड़ी पर जा रहे थे, उनको देख के बच्चे ने सैल्यूट डाल दिया, पलट के जवाब भी आ गया। बताया गया कि 23 तारीख की बात है, अभिषेक कुमार झा नाम की यूजर ने ये वीडियो शेयर किया, ये बताते हुए कि उनके दोस्त ने उनको भेजा है, देख के जनता बम बम है। लोग बोले इस वीडियो ने दिन बना दिया, बच्चे पिता और CISF के जो जवान हैं सबके रिएक्शन बहुत प्यारे हैं। कुछ ने बच्चे के पेरेंट्स की तारीफ की कि बहुत अच्छा उन्हें सिखाया है, कहा कि बस ये जानने की जिज्ञासा है कि किसने इसे रिकॉर्ड कर लिया और क्यों। वहीं बिहार से एक कमाल का वीडियो वायरल हुआ है, इसे किशनगंज के फरिंगोला इलाके का बताया जा रहा है। नजर ये आता है कि एक करैत सांप को बचाया गया था, जिसके बाद भीड़ जमा थी और फॉरेस्ट गार्ड ने इस मौके को लोगों को जागरूक करने के लिए इस्तेमाल किया। बेसिकली वो कह रहे थे कि ये भी हमारी तरह इको सिस्टम का हिस्सा है, जब ये मिले तो इनको आप मार मत दीजिए। अब वो वीडियो वायरल है, उनकी पूरी बात सुनिए, काफी सरल भाषा में कमाल की बात कही है। वैसे फॉरेस्ट गार्ड का नाम अनिल कुमार है, उनको भी पहचान मिलनी चाहिए, उनको हमारा सैल्यूट रहेगा। आप देखो वीडियो और वीडियो से कुछ सीखो। चलिए जिन भाई बंधु ने ये मतलब सूचना दिए, बहुत ही मतलब कि अच्छा काम किया है। देखिए ये भी एक जीव है और हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, ठीक ना। इनसे डरने की जरूरत नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। ये भी एक जीव है और ये भी हमारे एक पर्यावरण के अंग है, ठीक ना। इनके बिना भी धरती समझिए का धरती का जीवन अधूरा है। ईश्वर ने अल्लाह ताला ने जो भी जीव को दिया है किसी न किसी खास मकसद से दिया है कि नहीं। तो चलिए हमें बहुत खुशी हुई, अदर लोग मार देते हैं है कि नहीं, तो आज इसको आजाद कर दिया जाएगा है ना। और हम सबको इस तरह से जागरूकता के साथ मतलब सभी से अपील रहेगा कि अदरवाइज कभी भी ऐसा अगर मौका आता है तो उसको मारे नहीं। और आपके सेवा में हम लोग हमेशा तत्पर हैं, एनी टाइम आप फोन करके चाहे जिस समय चाहे रात्रि को 12 बज रहा हो आप कॉल करके आप सेवा ले सकते हैं। और मैं इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, ठीक। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। पिक ऑफ द डे मतलब हमारा वो सेगमेंट जहां हम आपको दिखाते हैं कोई अच्छी सी तस्वीर, अकाउंट हैंडल, चैनल, कोई वीडियो, हम बताते हैं कि हमको बड़ा जहां फाड़ लगा। आप भी देखिए, आज का जो हैंडल है वो इंस्टाग्राम का है और इंस्टाग्राम पर जो हैंडल का नाम है वो है अगली डिजाइन। इनकी खासियत यह है कि बाजार में बिकने आई चीज़ों में सबसे गंदी डिजाइन, सबसे गंदे प्रोडक्ट्स की तस्वीरें अपने हैंडल पर डालते हैं। माने ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी डिजाइन देख के आपको होगी कि क्यों बनाया इसको, क्यों ही बना दिया। कुछ डिजाइन आपको दिखा देते हैं, आप भी देखिए और सिद्ध होइए। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।